और ये देखिए एक वैष्णो देवी का गुफा जो है, यहाँ से प्रवेश द्वार है ये। इस गुफा से जो भी आप लोग आइएगा, दर्शन कीजिएगा, बाद में जिस समय ये बन के रेडी होगा उस समय यहीं से आप लोग को इन करना है। आइए अंदर का नजारा क्या है वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। अमेजिंग, गजब बनाया जा रहा है। जो भी कलाकार इस गुफा को बना रहे हैं काबिलियत तारीफ है। और फाइनल यही माता का दर्शन करवाए थे भैया, यही मेन मंदिर होगा ना। अभी देखिए पूरा काम जोरों पे है, अभी सभी को अपने अपने काम में व्यस्त है। नमस्कार, मैं हूं शंकर गोस्वामी और आप देख रहे हैं शंकर ब्लॉग। स्वागत है फिर से हमारे आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आया हूं सूरज कुंड, और इसलिए आया हूं क्योंकि मेला का शुरुआत हो चुका है और सभी लोग अपने अपने सामान को लेकर के मेला में पहुंच चुके हैं। तरह तरह का खेल तमाशे और तरह तरह का सामान, झूला वगैरह सारा चीज़ आ चुका है। लेकिन सूरज कुंड मेला में एक ऐसा चीज़ आया है जो हमको लग रहा है कि जब से यहाँ मेला शुरुआत हुआ होगा, जब से शुरुआत हुआ होगा, ये चीज़ जो आया है वो पहली बार आया है, माता वैष्णो देवी का गुफा। जी हाँ, जो वैष्णो धाम गए होंगे वो जानते होंगे कि माता वैष्णो धाम जाने के लिए किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या हम लोग को विजिट करना पड़ता है, क्या क्या देखना पड़ता है। लेकिन आज वही चीज़ हमारे सूरजकुंड मेले में दिखाया गया है। वैष्णो माता का मंदिर का जो गुफा होता है वो सेम भव्य दर्शन आप लोग को इस मेला में करवाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ की तैयारी कैसे हो रही है। आइए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। और हमारे साथ आए हैं संतोष भाई, इनको भी इस वीडियो में लिया जाएगा। फिलहाल चलते हैं यहाँ का दृश्य, क्या क्या काम हो रहा है, कैसे लोग काम कर रहे हैं, आइए उन लोग से जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए माता वैष्णो देवी का ये गुफा यहाँ बनकर रेडी हो रहा है। काम जोरों पे लगा हुआ, ये पहाड़ बनाया गया है आप देख सकते हैं। और अभी यहाँ अंदर चल के आपको दिखाएंगे कि कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, अंदर का दृश्य कैसा है, सारा चीज़ आपको हम दिखाएंगे। ये वैष्णो देवी का जो मंदिर का गुफा जो बन रहा है, वैष्णो देवी का गुफा ये बन रहा है, ये बाहर का सीन है। यहाँ से ये द्वार है यहाँ से, और ये बाहर का लुक बनाया जा रहा है। यहाँ देखिए इधर इस जगह पे राम जी का एक मूर्ति बनाया जा रहा है, जो पूरे भव्य तरीके से जिस तरह अयोध्या में ये राम मंदिर आप लोग देखेंगे शायद सेम उसी जैसा यहाँ भी बनाया जा रहा है मूर्ति के द्वारा। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, हमारे भाई साहब इस मूर्ति को भी तैयार कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं भैया? जम्मू जिला बिहार। अब भाई साहब जमुई जिला बिहार से आए हुए हैं और राम जी का ये मूर्ति तैयार कर रहे हैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से, अभी तो कुछ पेंट वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल ये मूर्ति इतना अच्छा बन के रेडी है। आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को, और इनकी कारीगरी को जितना तारीफ किया जाए कम ही है। और भाई साहब अच्छे तरीके से बना रहे हैं। यहाँ से चलते हैं सीधे अंदर, प्रवेश करते हैं और अंदर जा कर के देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। तो आइए संतोष भाई, हमारे साथ बने रहिए। और ये देखिए एक वैष्णो देवी का गुफा जो है, यहाँ से प्रवेश द्वार है ये। इस गुफा से जो भी आप लोग आइएगा, दर्शन कीजिएगा, बाद में जिस समय ये बन के रेडी होगा उस समय यहीं से आप लोग को इन करना है। आइए अंदर का नज़ारा क्या है वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये अंदर का सीन है, ऐसा कुछ व्यू बन रहा है, सभी भाई लोग काम कर रहे हैं, और क्या कैसे बन रहा है उन लोग से भी जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए। तो देखिए ये अंदर का सीन है कुछ इस प्रकार से, उस पहाड़ पे शंकर जी का एक भव्य प्रतिमा बनाया जा रहा है जो अभी पूरा तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। ये संतोष भाई कुछ अंदर का नज़ारा देख रहे हैं। संतोष भाई कैसा लग रहा है, कुछ अच्छा अलग लग रहा है, कुछ तो अलग आया इस बार सूरज कुंड, लगता है जब से मेला आ रहे तब से तो नहीं देखे थे। हाँ ये इस बार तो कुछ अलग है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए सभी भाई लोग काम कर रहे हैं। वैष्णो देवी का ये जो गुफा बन रहा है उनके मालिक जी यही हुए। तो कितना दिन में रेडी होगा ये बन करके भैया? 13 तारीख तक रेडी कर दीजिएगा ना। अच्छा अच्छा, तो आप लोग को हम बताना चाहता हूँ कि ये जब पूरा बन के रेडी होगा उसका भी मैं आप लोग को वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ से चलते हैं अंदर, गुफा कैसे क्या है देखते हैं। काम जोरों पे है, और ये देखिए महादेव जी का भव्य प्रतिमा आप लोग को इस गुफा के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। गुफा का प्रवेश द्वार है, देखते हैं किस तरह अंदर है। संतोष भाई आगे आगे चल दिए हैं, तो पूरा लंबा अंधेरा लग रहा है अभी से पूरा। देखिए ये अंदर का गुफा, हम लोग चल रहे हैं देख रहे हैं कैसे क्या हो रहा है। हाँ एकदम सच में लग रहा है ये गुफा है ना, गजब गजब लग रहा है देखने में। डरावना टाइप से भी लगेगा, हमको लग रहा है कि अगर यहाँ कोई अगर देखिए यहाँ से फिर इधर घूम रहे हैं, पूरा हम गुफा अंदर जा रहे हैं, पूरा गुफा अंदर का सीन दिखा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा। हाँ इधर से ही जाना है और इधर से घूमना है, फिर यहाँ से, अरे वाह
और देखिए फिर यहाँ से हम लोग घुस रहे हैं, इधर से फिर से आप लोगों को अलग गुफा भी देखने को मिल रहा है, फिर वही रास्ता। मतलब भाई अमेजिंग, गजब बनाया जा रहा है। जो भी कलाकार इस गुफा को बना रहे हैं काबिलियत तारीफ है। और अगर हमको लग रहा है कि जब ये बन के रेडी होगा तो हमको लग रहा है ना मेला का सबसे ज्यादा भीड़ आज यही गुफा को देखने के लिए उमड़ पड़ेगी। सभी लोग तैयार हो जाएंगे, मतलब सभी लोग टूट पड़ेंगे इस गुफा को देखने के लिए। भैया बहुत भव्य तरीके से, एक चीज है कि जो वैष्णो देवी नहीं देख पाए होंगे, नहीं जा पाए होंगे, अगर आप लोग वैष्णो देवी मंदिर नहीं गए हैं तो प्लीज इस गुफा में आइए और दर्शन कीजिए। आइए अंदर, अभी यहाँ से और रास्ता स्टार्ट है, आइए देखते हैं। गजब, ओ भाई, फिर यहाँ से स्टार्ट है। देखिए अभी तक हम लोग गुफा घूम ही रहे हैं, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी तक खत्म नहीं हुआ गुफा। आइए और इधर से भाई देखिए, फिर इधर से गया हुआ है और देखिए यहाँ भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है गुफा। और इधर भी काम वगैरह चल रहा है भाई, भाई साहब कामों में सारा कोई बिजी है। आ जाइए, अभी यहाँ से फिर अंदर जाना है। अभी देखिए अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और ये लग रहा है कि इधर ये है फाइनल, यही माता का दर्शन करवाए थे भैया, यही मेन मंदिर होगा ना। जी, यही है भाई साहब, यही लोग कारीगरी कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि यही माता का मेन मंदिर होगा जो गुफा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग वैष्णो देवी मंदिर गए होंगे तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या है। लेकिन जिस तरह अभी हम लोग गुफा घूम के आए हैं, हमको तो अभी ये लग रहा है कि डर का फील हो रहा था। अगर इसी के अंदर अगर कुछ हॉरर टाइप का म्यूजिक अगर दे दिया जाए तो लोग तो ऐसे ही बेहोश हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह का काम चल रहा है, हमको लगा कुछ अलग हुआ है इस मेला में। पहली बार जो भी आया है हमको अच्छा लगा, लेकिन जब ये बन के पूरा रेडी होगा उसके बाद दिखाएंगे। भाई साहब ये यहाँ कब तक बन के रेडी हो जाएगा? 13 तारीख को पूरा दर्शन के लिए रेडी हो जाएगा मंदिर ना। तो भाई साहब बता रहे हैं कि 13 तारीख यहाँ बन के रेडी हो जाएगा। चलिए हम लोग 13 तारीख का वेट करते हैं, और उससे पहले अगर बन के रेडी होता है तो मैं पहले से ही आप लोग को दिखा देंगे। और आप लोग इस मंदिर में, इस गुफा में जरूर आइएगा, चाहे जितना भी टिकट रहे आप लोगों को आना होगा। हम लोग शुरू से ही धार्मिक थीम पर काम करते आए हैं, करीब करीब 25-30 साल पहले से ही। अभी हाल में राजगीर मलमास मेला हुआ, उसमें अमरनाथ गुफा बनाए और जगह जगह वैष्णो, धनबाद में वैष्णो देवी बनाए। उस तरह से हम धार्मिक थीम पर ही काम करते रहते हैं। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं, वैष्णो देवी लोग जाते हैं तो सिर्फ वहाँ भी भैरवनाथ और पिंड का दर्शन होता है, लेकिन हमारे वैष्णो धाम में बाण गंगा और दुकुमारी, भैरवनाथ, जूद माता का चरण, वैष्णो देवी का गुफा, गर्भगिरी, सब कुछ मिलेगा आपको। A heart speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. भाई आप लोगों को वैष्णो देवी गुफा का दर्शन में अभी जो बन रहा है इसका तो दर्शन में करवा दिया हूँ, लेकिन जब तक ये फाइनल होता है आप लोग बताइए, कमेंट में जरूर कीजिएगा कि इसका फाइनल भी आप लोग को दिखाया जाए। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। तो फाइनली भाई वैष्णो देवी मंदिर गुफा आप लोग को हम दर्शन करवाए हैं, लेकिन इसका फाइनल व्यू आप लोग को रेडी होने पे दिखाया जाए या नहीं आप लोग कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। तो फाइनली आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।